हाय फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप घर पे खुद से बॉडी पॉलिशिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग अपने फेस की स्किन पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट अपनी बॉडी की स्किन को बिल्कुल भूल ही जाते हैं, और जिसकी वजह से उसमें टैनिंग और अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बॉडी पॉलिशिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बॉडी पॉलिशिंग आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और आपकी स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, और ये प्रमोट करता है आपके न्यू सेल्स को ग्रोथ करने में भी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्लैकी हो गई है, ड्राई हो गई है, तो बॉडी पॉलिशिंग कराने से ये प्रॉब्लम स्टार्ट खत्म हो जाएगी बिल्कुल। और बॉडी पॉलिशिंग एक तरह से क्लिंजर का भी काम करता है, जो आपकी स्किन से टैनिंग और डर्ट और ज़्यादा जो एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करता है। बॉडी पॉलिशिंग कराने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सप्पल हो जाती है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स बॉडी पॉलिशिंग कराने के। तो आइए जान लेते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो करना है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए, और बेल बटन को भी हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे जो मेरी न्यू वीडियोस है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो आपको अगर जरा भी हेल्पफुल रहे तो इसको करिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। सो लेट्स चेक द वीडियो। स्टेप में हम हल्के गुनगुने पानी में टॉवल को डिप करके इस तरीके से स्टीम ले लेंगे। और अगर आपको फुल बॉडी पॉलिशिंग करनी है तो आप हल्के गुनगुने पानी से नहा भी सकते हैं, या आप सेम मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको हाथ पे पॉलिशिंग करके दिखाऊंगी, इसीलिए इस मेथड का यूज़ कर रही हूँ। ऐसा करने से यहाँ के जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और जो आगे हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं उसके बेनिफिट्स अच्छे से मिलेंगे। स्टेप में हम सबसे पहले लेंगे ऑयलिव ऑयल। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयलिव ऑयल ले लूँगी। अगर आपके पास ऑयलिव ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे भी आपको बॉडी पॉलिशिंग करनी है, इस तरीके से आप हल्के हाथों से मसाज कीजिए। मसाज करने से हमारी मसल्स को रिलैक्स मिलता है और हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील करती है। इस तरीके से आपको करीब 5 से 10 मिनट तक मसाज करना है। स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले दही, बेसन, आधे नींबू का रस, हल्दी, राइस पाउडर यानी चावल का आटा। खाली बाउल में मैं सबसे पहले ले लूँगी 2 टेबलस्पून राइस पाउडर, और इसके बाद फिर इसमें मैं ऐड कर लूँगी 2 टेबलस्पून बेसन। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 लेमन का जूस, एंड देन इसमें फिर मैं ऐड करूँगी कर्ड। जितना इसको आपको मिक्स करने में आपको कर्ड लगता है उतना, मुझे करीब 1/2 बाउल कर्ड लगा था। और इसके बाद मैं 1/2 टेबलस्पून इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप फुल बॉडी का कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं। और फिर मैं अपने हाथों पे इसे स्क्रब कर लूँगी। स्क्रब करने के लिए मैं माइल्ड हाथों का ही यूज़ करूँगी। माइल्ड हाथों से ही आपको स्क्रबिंग करनी है, ज़्यादा हार्श नहीं होना है। और सबसे पहले इसमें हमने ऐड किया था राइस पाउडर। राइस पाउडर में एंटी एजिंग और ऑयल एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारी डल ड्राई स्किन को रिपेयर करती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्किन वाइटनिंग एजेंट भी होता है, जो कि हमारी सनबर्न स्किन को आराम दिलाता है और उसे स्मूथ और फेयर बनाता है। देन इसमें हमने ऐड किया था बेसन। बेसन हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करके डेड स्किन को निकालता है, और ये स्किन से हमारी टैनिंग को भी ख़त्म करता है। फिर इसमें हमने लेमन ऐड किया था। लेमन में विटामिन सी सिट्रेट एसिड होता है, जो कि हेल्प करता है हमारी टैन स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन अप करने में। फिर इसमें हमने ऐड किया था कर्ड। कर्ड फुल ऑफ गुड बैक्टीरिया, फुल ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम और वाइटामिन डी होता है, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ही, साथ में इसे सभी टाइप वाले भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको इसमें हमने ऐड किया था हल्दी। हल्दी में एक्सफोलिएटिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि हमारी न्यू सेल्स को ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करती है। ये हमारी स्किन को टाइट भी करती है, साथ में जो हमारी जो स्किन डैमेज हो जाती है उसको भी रिपेयर करती है, और आपकी स्किन में ग्लोइंग भी ऐड करती है। इस तरीके से आपको हल्के हाथों से इसको
स्क्रबिंग करना है, करीब 5 से 7 मिनट तक आपको स्क्रब करना है, जिससे कि आपके जो डेड स्किन है वो आसानी से स्क्रब के थ्रू निकल जाएगी। और स्क्रब करने के बाद आपको इसको 5 मिनट तक ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और 5 मिनट के बाद मैं एक वेट टॉवल की हेल्प से इसे वाइप आउट कर लूँगी। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्क्रबिंग करने के बाद मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइटनप लग रही है, जबकि एक अभी स्टेप बाकी है। और फिर इसके बाद बचे हुए को आप रनिंग वाटर से अपने हैंड को वॉश कर लीजिए। पैक बनाने के लिए मैं सबसे पहले लूँगी 1 टेबल स्पून चंदन पाउडर, और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 1.5 चम्मच गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर। अगर आपको और गुलाब जल चाहिए तो आप इसमें 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। आप चाहें तो एलोवेरा जेल फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हमारे लास्ट स्टेप में हम सैंडलवुड पैक अप्लाई कर लेंगे। ये पैक ड्राई स्किन को हील करता है और हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। और जब ये पैक सूख जाए तो इसको आप वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉडी पॉलिशिंग कंप्लीट होती है और आप मेरे दोनों हाथों में विजिबल डिफरेंस भी देख पा रहे होंगे। ये एक ही बार में इतना फर्क कर चुका है, तो इसको वीक में 2 बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अच्छे इफेक्ट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहे तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, और इसको लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करके जरूर पूछिए। तो जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।